हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील वर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी साइज 3.2 एंड द क्वेश्चन नंबर 17। ओके, स्टार्ट करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू दिस वन एंड आई इज इक्वल टू दिस, फाइंड के, कह रहे सो दैट ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस टू आई रिलेशनशिप जब आपको गिवन हो, ये गिवन हो तो के की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए आप। कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, के ए फाइंड करना पड़ेगा, माइनस का टू आई। तो हम बात करें ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर क्या है? थ्री फोर माइनस टू एंड माइनस टू, इसी को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम उसी से तो मिल जाएगा आपको माइनस का ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, थ्री जा नाइन, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई, थ्री थ्री जा नाइन माइनस का, फोर टू जा एट, नेक्स्ट वन थ्री टू जा माइनस सिक्स एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू टू जा फोर। ऑल राइट, ये रो इस कॉलम से, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से, फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस फोर टू जा एट, एंड ये रो इससे, फोर टू जा माइनस एट एंड माइनस माइनस टू टू जा फोर। तो ए स्क्वायर भाई क्या आ गया, देखिए वन ट्वेल्व माइनस एट फोर, माइनस सिक्स माइनस प्लस फोर टू, एट माइनस फोर तो माइनस का फोर आ गया। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी आपको? नहीं ना, तो ये आ गया ए स्क्वायर। अब हम इसको इसके साथ रखते हैं, ठीक, गिवन जो स्टेटमेंट है उसमें पुट करते हैं। गिवन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस टू आई, तो ए स्क्वायर भाई क्या है? वन फोर माइनस टू और माइनस फोर, ये किसके इक्वल दिया हुआ है? हम उसके बराबर इसको रखते हैं। किसके इक्वल दिया है? के ए। तो के और ए हमारा है थ्री फोर माइनस टू एंड माइनस टू और माइनस का टू आई, तो टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप जानते ही हैं, ये वन हो गया, ये जीरो, ये जीरो और ये वन, ठीक, टू क्रॉस टू की है। वन फोर कंपेयर करने के लिए हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए के को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा? थ्री के माइनस टू के, फोर के एंड माइनस टू के, माइनस टू इंटू जीरो और टू, और सिंप्लीफाई कर लीजिए। वन फोर माइनस टू माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री के माइनस टू, माइनस का टू के प्लस जीरो एंड फोर के प्लस जीरो माइनस टू के माइनस टू, इतना ठीक है? कंपेयर कर दीजिए। ऑन कंपेयरिंग वी हैव थ्री के माइनस टू इज इक्वल टू वन, ठीक, तो यहाँ से ये इधर ट्रांसपोज हो गया, मतलब थ्री के इज इक्वल टू वन प्लस टू मीन्स थ्री, तो के कितना आ गया? थ्री बाई थ्री मीन्स वन, एक तो के आ गया, दूसरा माइनस का टू के इज इक्वल टू माइनस टू, ये कैंसिल, तो अगेन यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई? वन। ठीक, तो आप कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से फोर के, फोर के बराबर तो के इज इक्वल टू वन, माइनस टू के, माइनस टू के इसके बराबर रखेंगे तब भी के की वैल्यू हमारी क्या आएगी, देख लीजिए, माइनस का फोर ये इधर हो गया, माइनस टू के इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस टू यानी माइनस टू, माइनस टू के इज इक्वल टू माइनस टू कैंसिल, तो के इज इक्वल टू वन, हर हाल में के की वैल्यू वन आएगी, तो के इज इक्वल टू वन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर